आजम खान ने कहा, एग्जिट पोल नहीं यह टेररिएट हो गया है, पूरे मुल्क में दहशत फैल गई है। पोल हो, एग्जिट पोल हो, प्री एग्जिट हो, इससे कोई लेना देना नहीं। जो नतीजे आएंगे वो पूरे मुल्क के लिए होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के साथ जो पूरे मुल्क में एक दहशत का माहौल बन गया, मायूसी का बन गया, और लोग घबराए हुए हैं बुरी तरह। ये एग्जिट पोल नहीं, ये जैसे कोई टेरर क्रिएट हो गया पूरे मुल्क में, दहशत फैल गई है। ये जमहूरियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक अलामत है, इंतहाई अफसोसनाक अलामत है, इंतहाई तबाहकुन अलामत है। चुनाव एक नॉर्मल चीज़ है, हम सबका वतन है। एक सरकार आई, दूसरी चली गई, दूसरी आई, तीसरी चली गई, सत्ता बदल गई, किसी को क्या परेशानी। लेकिन एग्जिट पोल से जो दहशत फैली है, जो मायूसी और जो अफसुर्दगी का माहौल है, हर शख्स परेशान है कि जाने क्या होने वाला है। वो एक अंग्रेजी कहावत है, लल बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले का सन्नाटा। वो कौन सा तूफान आने वाला है जिसकी वजह से ऐसा सन्नाटा पड़ सकता है? लोग क्यों मायूस हो गए, लोग क्यों दहशत ज़दा हो गए, लोग क्यों डर गए इस एग्जिट पोल से, न जाने क्या होने वाला है। हर शख्स डरा हुआ, पता नहीं क्या होने वाला है। ये बड़ी खतरनाक है।